पैटर्न हमने एक्टिव और पैसिव वर्क किया था विद एग्जांपल्स. सो टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स हरफ तारीफ या हरफ तनकीर. हरफ तारीफ और या हरफ तनकीर यानी आर्टिकल वो लफ्ज़ होता है जो किसी इसम की निशानदही करता है और इसके इस्तेमाल के बारे में बताता है. आर्टिकल के दो इकसाम होते हैं, हरफ तनकीर इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल यानी हरफ तारीफ. अब उन्होंने क्या बताया है कि जो सिंपल आर्टिकल वो लफ्ज़ होता है जो किसी इसम की निशानदही करे, और हमारे पास आर्टिकल की दो इकसाम होती हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल. सो कमिंग टू द इंडेफिनेट आर्टिकल, अब वो क्या कह रहे हैं, हरफ तनकीर क्या होता है. आ ओ एन को हरफ तनकीर कहा जाता है, मतलब कि आ ओ एन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल. ये हमेशा वाहिद इसम या इसम सिफ्त से पहले आता है. यह अब आपने क्या करना है, अब आपने ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनी टिप्स पे याद रखनी है. इंडेफिनेट टेंस का क्या को क्या कहते हैं कि ए और एन को हरफ तनकीर कहा जाता है. पहले तो आपने ये रखना है ए और एन क्या आएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा. और इसमें क्या करना है, ये हमेशा वाहिद इसम या इसम सिफ्त से पहले आता है. ये दोनों बातें याद रखनी है. एंड द थर्ड वन इज़, इन्हें ऐसे वाहिद इस्मा के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिनकी गिनती हो. अब इनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल को तब इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों की गिनती हो, जो काउंटेबल हो, और जिन इन इस्मों की गिनती ना हो उससे पहले इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता. ठीक है, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उससे पहले हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे. मसलन अ चेयर, अ पेन, अ बॉय, एन एग, एन इंजन, एन आउल. ओके, आ वाटर और मिल्क, आ मिल्क गलत हैं क्योंकि पानी और दूध को गिना नहीं जा सकता. अब आपको पता है पानी जो चेयर है, पेन है, बॉय है, एग है, अब इंजन आउल, ये हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, और मिल्क और वाटर हैं अनकाउंटेबल हैं, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते. आ और एन का इस्तेमाल चीज़ों में अमूमियत पैदा करता है. एन इंकपॉट, कोई दवात, अ बॉय, कोई लड़का. आ ऐसे इसम नाउन या इसम सिफ्त एडजेक्टिव से पहले आता है जो किसी हरफे सही कंसोनेंट से शुरू हो, मसलन अ जग, अ बनाना, अ स्कूल, अ टीचर. अब उन्होंने आपको सिंपल बताया है कि आ जो है वो ऐसे नाउन या इसम सिफ्त एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है जो किसी हर्फ सही कंसोनेंट से शुरू हो. ठीक है, आ का इस्तेमाल उन्होंने बताया है, जैसे आ जग, अ बनाना, अ स्कूल, अ टीचर. और एन का, एन ऐसे इसम नाउन या इसम सिफ्त एडजेक्टिव से पहले आता है जो किसी हर्फ इल्लत वाउल से शुरू हो, मसलन एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंकपॉट, एन ईगल. ऐसे इसम या इसम सिफ्त जो शुरू तो हरफ सही से हों लेकिन हरफ सही अपनी महसूस आवाज़ देने की बजाय किसी हरफ इल्लत की आवाज़ दे, उनसे पहले हरफ तनकीर एन आएगा. मसलन एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट में एच साकिन है लिहाजा इसका तलफ्फुज ऑनेस्ट होता है ना कि हॉनेस्ट. इस तरह एन एम ए और एन एफ ए, क्योंकि एम और एफ अलिफ से शुरू होते हैं और हरफ इल्लत की आवाज़ देते हैं. ऐसे इसम या इसम सिर्फ जो शुरू तो हरफ इल्लत वाउल से हों लेकिन हरफ इल्लत अपनी महसूस आवाज़ देने की बजाय किसी हरफ सही की आवाज़ दे, उनसे पहले हरफ तनकीर आ आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूज़फुल थिंग, अ वन रुपी कॉइन, अ वन साइडेड डिसीजन. अब उन्होंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया है. नाउ कमिंग टू द डेफिनेट आर्टिकल, द हरफ तारीफ है. अब उन्होंने क्या है, द जो है वो हरफ तारीफ है. इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी शख्स, खास शख्स या शय के बारे में बात कर रहे होते हैं, मसलन द क्लाश पीपल, द सन वगैरह. अब उन्होंने बताया है हमने इंडेफिनेट में आ और एन का इस्तेमाल किया था और हमने क्या किया था
कि ये हमेशा वाहिद इसम या इसम सिर्फ से पहले आता है और उन्हें ऐसे वाहिद इसम इस्मा के साथ इस्तेमाल